नमस्कार दोस्तों, 6 साल की मेहनत रंग लाई, कैंसर पर अब अधिक असर करेगी दवाएं। पीयू के शोधार्थियों को मिली सफलता। स्तन और लीवर कैंसर के रोगियों पर अब दवाएं अधिक प्रभावी होगी। यह सफलता पंजाब विश्वविद्यालय के फार्मास्यूटिकल विभाग के शोधार्थियों को शोध में मिली है। पीयू के सीनियर प्रोफेसर भूपिंदर सिंह भूप के निर्देशन में 6 साल तक चले इस शोध के बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। कैंसर में प्रयोग की जाने वाली दवाओं का असर शरीर पर 0.003% पड़ रहा था, अब रिसर्च के जरिए यह बढ़कर 0.027% तक पहुंच गया। एक दवा का असर तो 60% तक पहुंचा है। नैनो फार्मूले के जरिए एनिमल स्टडी पूरी हो गई है। अब फार्मा इंडस्ट्री इस फार्मूले के जरिए अपना कार्य आगे बढ़ा सकती है। इन दवाओं से शरीर पर भी कम नुकसान होगा। पीयू के फार्मास्यूटिकल विभाग के शोधार्थी टीनू शर्मा ने स्तन कैंसर व लीवर कैंसर पर शोध किया। कृष्ण कमल पौधे के फूल से निकलने वाले केमिकल क्राइसिम पर काम किया है। यह क्राइसिम ब्रेस्ट कैंसर पर काबू पाने का काम करता है, लेकिन इसका प्रभाव शरीर पर महज 0.003% ही होता है, जो बहुत कम है। टीनू ने इसके लिए नैनो फार्मूला तैयार किया है और इस क्राइसिम के प्रभाव को रिसर्च के जरिए बढ़ाकर 0.027% कर दिया, यानी 9 गुना क्राइसिम स्तन कैंसर पर काम करेगा। इससे कैंसर की रोकथाम जल्दी होगी। इसी तरह टीनू ने लीवर कैंसर के लिए प्रयोग की जा रही दवा सोराफेम पर शोध किया। यह दवा शरीर पर 8% ही प्रभाव डाल रही थी। नैनो फार्मूले के जरिए इन्होंने इस दवा का प्रभाव शरीर में 40% से लेकर 60% तक कर दिया। इसी तरह शोधार्थी अतुल जैन ने ब्रेस्ट कैंसर में प्रयोग हो रही दवा रिलोक्सिफिन व मेथोटेरेक्स दवा का प्रभाव अपने रिसर्च से बढ़ाया है। रिलोक्सिफिन शरीर में केवल 2% ही जा पाती थी। नैनो फार्मूले से अब इसका असर 4 गुना बढ़ गया है। वहीं मेथोटेरेक्स दवा का प्रभाव 30% से बढ़कर 90% तक हो गया। प्रोफेसर भूपिंदर सिंह भूप कहते हैं कि इस रिसर्च में लगभग 6 साल लगे हैं, बड़े परिणाम सामने आए हैं। कैंसर की दवाओं का प्रभाव शरीर पर इस फार्मूले से अधिक होगा, साथ ही नुकसान भी कम से कम होंगे। बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान इन शोधार्थियों ने अपनी थीसिस लिखी और फाइनल किया। यह अपने में बड़ी सफलता है। लॉकडाउन के दौरान प्रोफेसर भूप के 19 रिसर्च पेपर प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।